सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते के रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। भगवान आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ चुनौतियाँ देकर परखता भी है, कई बार आपकी एक चुप्पी के रिश्तों को बचा देती है। आज का पंचांग 8 जून 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आत्रा नामक नक्षत्र शाम 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 8 जून 2024 दिन शनिवार, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रही हैं। आज कोई ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जो आपके होठों पर मुस्कान और आँखों में आंसू ले आएगी। आज आप पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे, समय मजे में बीतेगा लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कुछ रहस्य आपके लिए दुख और चिंता का कारण बन रहे हैं, किसी की मदद से समस्या के जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऐसी बुराई से बचे जो आपको लंबे समय तक नुकसान पहुँचा सकती है। एक अप्रत्याशित उपहार आर्थिक समृद्धि ला सकता है, सोच समझ कर इसका प्रयोग करें। अपना और दूसरों का आदर करना आज आपको सम्मान दिलाएगा। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबके आंखों का तारा बना देगी। आपके सितारे समारोह या यात्रा की तरफ भी इशारे कर रहे हैं। यह समय अपनी चतुराई पर गर्व करने का है। एक विनम्र रिश्ते से आप दुनिया को जीत सकते हैं। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मालिक सोच रखते हैं और अनुभवी भी हो। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकती हैं। तब तक कोई वादा ना करे जब तक आप खुद या ना जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, इस समय का सदुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आज पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं, इसके लिए कोशिश करते रहें। निजी कामों में भी व्यस्तता रहेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त होगी। क्रोध से बचना होगा वरना आपको ही तकलीफ हो सकती है। क्रोध में काम ना करें, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी नकारात्मकता महसूस हो सकती है। आज केवल अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। काम से संबंधित बातों में संतुलन बनेगा। व्यक्तिगत बातों में सुधार करना आपके लिए आसान हो सकता है। काम अपेक्षा के अनुसार पूरा होने के बाद भी थोड़ी नाराजगी बनी रहेगी। अपने काम पर ध्यान देते रहें। पार्टनर से अधिक अपनी जरूरतों पर ध्यान देंगे। नींद से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करना भी पड़ सकता है। शुरुआत आय में कमी होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, वाहन से समस्याएं आ सकती है, भविष्य को लेकर चिंता रहेगी। दोपहर से सब कुछ ठीक होने लगेगा, संतान से सुख मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलने के योग है। शाम से आय में सुधार होगा, कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी मिलेगी। कार्य समय पर होंगे लेकिन दोपहर में कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। परिवार से वैचारिक मतभेद हो सकता है, खर्च की अधिकता रहेगी, शाम से हालातों में सुधार होगा, संतान से सहयोग मिलेगा, कार्य की अधिकता भी रह सकती है, उत्सव में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा, सफलता भी प्राप्त होगी। सावधानियां, कभी कभी काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। भावुकता में रहकर कोई भी निर्णय ना लें। किसी नजदीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफ़ी हस्तक्षेप कर सकता है, गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। आपको अपने और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। यह दिन गड़बड़ी भरा है, जहां परिवार में किसी सदस्य की लाइलाज बीमारी के कारण आप असहाय महसूस करेंगे। ऐसे में पार्टनर के साथ बिताया समय आपको राहत पहुंचाएगा। इन अलौकिक पलों से आपकी चाहत को नया मोड़ और साथ ही जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपका सकारात्मक और रचनात्मक रवैया आपको विपरीत लिंग में प्रसिद्ध कर देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी साथी को आप पर गर्व होगा। आपकी लव लाइफ खूबसूरत और संगीतमय है। जीवन में खट्टास से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों को गंभीरता से न लेकर हंसी में उड़ा दें। बात करते हैं करियर की। आय के सुधार के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो जल्द ही रंग लाएगी। आपकी योग्यता आपको हर जगह पहचान दिलाएगी। अपनी बात और योजनाओं को फोन, ईमेल, चैट या सोशल मीडिया आदि माध्यमों से साझा करेंगे। आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया आपकी कार्य प्रणाली, प्रवीणता और आत्म प्रयासों की तरफ इशारा कर रही है। आपकी संवेदनशीलता और समस्या दूर रहने वाला रवैया आपको लोकप्रिय व सबकी आंखों का तारा बनाता है। व्यापार, प्रसिद्धि, योजनाएं और रणनीतियां बने प्रयास करें और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ें। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह हैं जो आपने अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रित करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से बातचीत कर सकती हैं, जो आपको धन के बारे में उचित सलाह दे सकती हैं, जिससे धन की वृद्धि हो। कोई भी व्यवसायिक कार्य अपने देखरेख में ही करें। स्टाफ अथवा कर्मचारियों के भरोसे रहना नुकसान भी दे सकता है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें। इस समय किसी या पेनाल्टी लगने की स्थिति भी बन सकती है। अचानक लाभ बढ़ने की आशा है, कार्य की अधिकता रहेगी। दोपहर में न्यायालय कार्यों में पक्ष मजबूत होगा, पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा, आय बढ़ेगी और भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शाम को समस्याएं रह सकती है, कार्य में देरी हो सकती है, सहयोग की अपेक्षाएं बेकार जाएगी। बात करते हैं सेहत की। सांस संबंधित दिक्कतें आज आपको परेशान करेगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है, अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया मौसम के अनुसार विशेष ध्यान दें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आपको आज इसका पता सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।